नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फूड स्टडी विद जॉय में। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक तत्वों के नाम और उसके सूत्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला सबसे इजी जो दिया है यहाँ पर देख सकते हैं वो क्या है। यहाँ आप देखिए ये वाला है, यहाँ पर साधारण नमक जो फर्स्ट वाला है वो है साधारण नमक। साधारण नमक आप बचपन से जानते होंगे, इसको आप पढ़े होंगे पहले से। साधारण नमक कौन सा है? साधारण नमक होता है जिसको कहा जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसको कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक को कहा जाता है, नमक। इजी है। नेक्स्ट चलेंगे, आपको नेक्स्ट वाला दिखा रहे हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? इसके बाद आएंगे आप तो आपको पढ़ेंगे उनका, यहाँ पे मिलेगा आपको बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है NaHCO3, NaHCO3। उसके बाद है धावन सोडा। धावन सोडा है Na2CO3 इंटू 10H2O इसमें जुड़ा रहता है, ठीक। उसके बाद नंबर फोर पे आइए, नंबर फोर पे है NaOH, इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। उसी प्रकार सुहागा, सुहागा है Na2B4O7 और इंटू 10H2O। सुहागा का यूज कहाँ होता है इसको कमेंट करके बता सकते हैं। फिटकरी का सूत्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें लोग बहुत भूल जाता है कि 2SO4 एक बार याद कर लीजिए, फिर इंटू Al2 और फिर कोष्टक में SO4 इंटू 24H2O। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, सब सब भूल जाए, लेकिन ये फिटकरी का हुआ। फिर जो नेक्स्ट वाला है लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट इसको कहा जाता है, लाल दवा है। लाल दवा का सूत्र होता है KMnO4, KMnO4, ये सबको याद रहना चाहिए, ठीक। KMnO4 जो है ना, इसको रुकिए आपको दिखा दे रहे हैं लिख कर, इसको कहा जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका और नाम है लाल दवा, लाल दवा यानी कि KMnO4। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ये नहीं भूलना है, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। KMnO4 बहुत पहले यूज होता था और बहुत मुख्य चीज़ होता था, रक्त को सॉरी पानी को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था, ठीक। उसके बाद आइए तो आपको मिलेगा कास्टिक सोडा, KOH कहा जाता है, सोरा KNO3, विरंजक चूर्ण CaOCl इंटू Cl, ठीक। उसके बाद CaOCl2 भी कहा जाता है इसको, देख लीजिए अच्छे से आपसे। चूने का पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम, ठीक ना। यहाँ पर जिप्सम जो दिख रहा है तो आपको जिप्सम ये पूछता है एक बार एग्जाम में, बहुत टिपिकल चीज़ आपको बता रहे हैं। जब जिप्सम के आप चलिए बता दे रहे हैं, जब जो संगमरमर होता है ना, संगमरमर, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का बारिश होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड दो H2SO4 का जब बारिश होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो वायुमंडल में जाता है गैस प्रदूषण के द्वारा, और उससे सल्फ्यूरिक एसिड और वायुमंडल में जो HNO3 गैस बन जाती है, मतलब लिक्विड बन जाते हैं, सब बारिशा में मिल के जो बारिश कराता होता है, अम्लीय वर्षा होती है, तो जो संगमरमर होता है ना, संगमरमर का क्षरण होता है, सारे क्षरण होने के बाद लास्ट में जो तत्व बनता है जिप्सम बनता है, एग्जाम में पूछता है, इसको आप याद रखे रहिएगा CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 में से हाफ H2O होता है, मतलब देख लीजिए जिप्सम में से H2O निकल जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक। चाक का CaCO3, चूना पत्थर का भी CaCO3, संगमरमर का CaCO3, नौसादर NH4Cl, लाफिंग गैस का देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, इसको कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब इसको कहिए आप लाफ गैस या फिर लाफिंग गैस कहा जाता है इसको,
लाफिंग गैस, इतना ज़्यादा मतलब इसको अगर एक बार आदमी सूंघ लेगा तो हंसते हंसते परेशान हो जाएगा, हंसी रुकेगा नहीं, इतना ख़तरनाक चीज़ है यह। ठीक, नाइट्रोसाइड देख लिए। उसके बाद यहाँ पे आ गया लिजार्थ लिथार्च होता है, PbO। गैलेना को कहा जाता है PbS। Pb3O4 लाल सिंदूर और सफ़ेद लेड, 2 PbCO3 इंटू PbOH का होल ट्वाइस। तो ये चीज़ें तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, इतना टफ बहुत बड़े एग्जाम पूछेंगे, लेकिन नॉर्मली एग्जाम में ये चीज़ें जरूर पूछेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड जरूर पूछ देता है। ठीक, और नमक का अम्ल HCl, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। HCl एक बार आप देख लीजिए, ये होता है HCl। HCl को कहा जाता है क्लोरिक अम्ल। ठीक, ऊपर चलिए, सोरे का अम्ल HNO3। अम्लराज बहुत बार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अम्लराज है HNO3 और HCl। ठीक, अनुपात पूछता है तो HNO3 और HCl का मतलब होता है, ठीक, शुष्क बर्फ CO2, सूखा हुआ बर्फ होता है, यस, बहुत ठंडा होता है। इसका यूज पूछता है, शुष्क बर्फ का यूज कहाँ पे होता है, तो शुष्क बर्फ का यूज आपको बताते हैं कि ये शुष्क बर्फ जो होता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसको समझ लीजिए टू कोल्ड। किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए या फिर तुरंत बर्फ जमाने के लिए, तत्काल अगर बर्फ जमाना है तो इसका प्रयोग होता है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, शादी विवाह में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो फॉग वॉग बनाया जाता है, ज़मीन पे धुआं हुआ नहीं रहता, उसी से बनता है। ठीक, हरा कसीम होता है, उसका सूत्र होता है Fe SO4 × 7 H2O। हार्न सिल्वर के बारे में कमेंट करके बताइए कहाँ यूज होता है। AgCl कहा जाता है इसको। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये एग्जाम में पूछता है भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के बारे में जानेंगे। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, एक D2O होता है और H2O होता है, H2O पीने के लिए यूज होता है, और D2O हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है ना ड्यूटेरियम, उससे मिलकर ऑक्सीजन से जब वो तो बंद बनाता है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग जानते हैं क्या होता है, ये इसका प्रयोग होता है मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर होता है ना, उसमें मंदक के रूप में ड्यूटेरियम का भारी जल का ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके शीतल कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, प्रोड्यूसर गैस होता है CO, माने कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को मिलाकर बनता है। मार्स गैस मेथेन गैस को कहा जाता है, और सिरका होता है CH3COOH। ठीक, ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछती है और भूलता भी नहीं है आदमी, इस चीज़ को आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ये ज़रूर भूल जाता है। ये चीज़ें देख रहे हैं ना, प्रोड्यूसर गैस CO+N2, ये चीज़ भूलना नहीं है आपको, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टाइप का है। उसके बाद आप चलिए उसको मार्स गैस था, वो भूलेगा नहीं। ये जो आप सिरका देख रहे हैं, ये वाला, सॉरी एक मिनट, ये जो सिरका दिख रहा है ना, जो मैं जूम कर रहा हूँ, सिरका है CH3COOH, ये चीज़ें भी नहीं भूलनी है। ठीक, ये तो एग्ज़ाम में 4-5 बार पूछ चुका है। गैमेक्सिन का सूत्र तो 6-6 है, C6H6Cl6। नीला कसीम कसीस CuSO4 × 5H2O। एल्कोहल का सूत्र तो कोई नहीं भूलता है, एल्कोहल C2H5OH, मंड C6H10O5, अंगूर का रस C6H12O6, चीनी C12H22O11, यूरिया NH2CONH2, बेंजीन C6H6। बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है,
एक दो तीन चार पाँच छः, ओह गलती हो गया, एक सेकेंड। सिक्स एच 12 O6। ये तो स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, सी6 टाइटल, इसमें तो कार्बन 6 होता है, 6 पॉइंट बना सकते हैं इस तरह से, 6 पॉइंट बना किया जाता है। यहाँ पर 6 कार्बन होता है और उससे 6 हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।